बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आबे हयात के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबे हयात और आप देख रहे हैं आबे हयात चैनल। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जंगे ओहद से पहले मुझसे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आओ हम अल्लाह से अपनी अपनी आरज़ुओं की दुआ करें। मैंने कहा अच्छा, हम एक किनारा हो गए। पहले मैंने दुआ की कि या इलाही, कल जब दुश्मन से मेरा मुकाबला हो तो ऐसे शख्स से हो जो हमले में भी सख्त हो और मुदाफ़त में भी पूरा हो, मैं और वो लड़ें, मेरा लड़ना तेरे लिए हो, फिर मुझे फतह हो और मैं उसे कत्ल कर दूँ और इसका सारा सामान मैं ले लूँ। इस पर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने आमीन कहा और फिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने लिए दुआ की, या इलाही, कल ऐसे शख्स से जोड़ हो जो हमला और मुदाफ़त में कामिल हो, फिर हम दोनों लड़ें, मेरा लड़ना तेरी राह में हो, और वो शख्स मुझे कत्ल कर डाले और मेरा नाक कान काट डाले, और फिर जब मैं तेरे आगे हाजिर हूँ तो तू दरियाफ़ फरमाए कि अब्दुल्ला तेरे कान और नाक क्यों काटे गए, तो तब मैं अर्ज़ करूँ कि तेरी राह में और तेरे रसूल की राह में, और तब तू फरमाएगा हाँ तू सच कहता है। साद रज़ी अल्लाह अन्हा का कॉल है कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी, चनाचा ये बुजुर्गवार इसी कैफियत से शहीद हुए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।